हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, बारिश हो रही है बाहर और मन कर रहा था कि कुछ अच्छा गरम गरम पराठे खाए जाए, तो मैंने यहाँ पे लिया है आटा पराठे बनाने के लिए। और आज मैं बनाऊंगी बीटरूट के पराठे आपके लिए। तो मैंने लिया एक अच्छा सा हेल्दी सा बीटरूट और अब हम इसका छिलका निकाल के इसे ग्रेट कर लेते हैं। और आटा मैंने लिया है फैमिली के हिसाब से 3 कप आटा। तो ये देखिए, मेरी ग्रेटिंग स्टार्ट हो गई है। बीटरूट को मैंने छिलका निकाल दिया है और इसको श्रेड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हो, ग्राइंडर में डाल के इसे प्यूरी भी कर सकते हो या फिर श्रेडर से श्रेड भी कर लीजिए, दोनों ही ठीक है। बट प्यूरी बनाने से क्या है, आटा में ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है और श्रेडिंग से इक्वल हो जाता है हमारा आटा। और इसमें अगर आपको ऐड करना हो तो या पोटैटोज भी ऐड कर सकते हो या फिर बॉटल गार्ड भी ऐड कर सकते हो, यानी जिसे लौकी कहते हैं, वो भी छोटा सा इसे श्रेड करके ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्याज, अपने स्वादानुसार प्याज भी आप ले सकते हो ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ली हूँ बीटरूट और ये देखिए कितना फ्रेश एंड जूसी बीटरूट दिख रहा है मेरा। ये बीटरूट श्रेड होके रेडी हो गया है। अब हम ऐड करेंगे हमारे आटा में। तो ये मैंने लिया है आटा परात में और बीटरूट। आप सारा बीटरूट अपने आटा में मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच काले मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर का पाउडर, ये टेस्ट एमल्सिफाई करता है। अब हम लेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच अजवाइन। पराठों में अजवाइन के बगैर सो स्वाद ही नहीं आता है, तो अजवाइन को आप अपने हथेलियों के बीच में क्रश करके उसे ऐड कर लीजिए अपने आटा में। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन का और आपका पेट भी सॉफ्ट रखता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल। आप इसमें बटर या घी भी ऐड कर सकते हो, इट मेक्स योर डव सॉफ्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच नमक या फिर आप अपने स्वाद अनुसार भी ऐड कर सकते हो। ध्यान रखिए कि हमें इसे खाना है चटनी, अचार या फिर दही के साथ, तो मेक श्योर कि उसमें भी नमक होगा, तो हम उसके हिसाब से ही नमक ऐड करेंगे। अब हम मिक्सअप देंगे एक अच्छा सा अपने आटे को और मसाले को। अच्छा सा पहले सूखा ही आप मिक्सअप दे दीजिए, आटा और आपके बीटरूट और मसाले अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ध्यान रखें कि कोई लम्स ना हो उसमें। तो सूखा ही आटा और मसाले और बीटरूट को एक अच्छी सी इनकॉर्पोरेट करके रख लीजिए, एक अच्छा सा फाइन मिक्स दे दीजिए सॉफ्ट सा। तो ये देखिए, ये मेरा आटा और बीटरूट सब मिक्सअप हो गया है। अब आटा लगाएंगे। उसके लिए हम ऐड करेंगे वाटर, और वाटर ध्यान रखिए थोड़ा थोड़ा ऐड करिए, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हमने इसमें डाला है नमक। नमक से भी वाटर रिलीज होता है और हमारा बीटरूट भी बहुत फ्रेश था तो उसमें भी मॉइस्चर कंपल्सरी है। तो आप अपना आटा एकदम ज़्यादा लूज ना बनाएं, पराठों के हिसाब से आटा लगाएं। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे और मुझे पूरा इसमें लगा है 100 ml ऑफ वाटर। और हमारा डब हम बनाएंगे थोड़ा सा टाइट, ज़्यादा सॉफ्ट ना बनाए। उसे अच्छा सा एक मिक्स दे दीजिए अपने आटों को और अपना जो भी आपने मसाला मिक्स करा है। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप वाटर मिक्स करते रहिए और एक अच्छा फाइन व्हीट डब बना के रेडी करिए। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा आटा अपना मिक्सअप कर लिया है, तो ये मेरा रेडी हो रहा है। और देखिए कलर, देखिए इस आटे का। तो इसे अच्छे से पंचिंग कर करके अपना आटा सानिए ताकि आपके पराठे बहुत अच्छे बने, बढ़िया बने और फूले फूले बने और खाने में भी बहुत सॉफ्ट हो। जितना आप आटा सॉफ्टली आप जितना आप उसे पंच करके रेडी करेंगे उतना ही अच्छा आपका पराठा बनेगा। और फाइनली ये देखिए हमारा डव कितना अच्छा दिख रहा है, वीट डव रेडिश कलर का। और बच्चे भी ये डव देख के ही इतना खुश हो जाएंगे कि मम्मी आज हमें रेड कलर का पराठा खिलाने वाली है। मेरा बेटा तो बहुत खुश होता है कि मम्मी देखिए मुझे आज रेड पराठे खाने हैं या ग्रीन पराठे खाने हैं। तो ये देखिए हमारा
और ये टेक्सचर देखिए हमारा आटे का कितना अच्छा हो गया है। और देखिए मुझे जस्ट 100 ml ऑफ वाटर ही लगा है, और ज़्यादा लूज आटा ना लगाए, नॉर्मल आटा लगाए, रोटी से थोड़ा सा सख्त आटा लगाए, नॉट इवन पूरी जैसे। अब साइड डिश के लिए हम लेंगे 3 टमाटर। मैं यहाँ बनाने वाली हूँ कच्चे टमाटर की चटनी, तो मैंने लिया है 3 टमाटर, उसे चॉप कर लेते हैं। तो इस चॉपर में मैं ऐड कर लूँगी अपने टमाटर। टमाटर को मैंने अच्छे से वॉश करके और थोड़ा सा चॉप कर लिया है। अब मैं ली हूँ 4 लहसुन, गार्लिक और 1 हरी मिर्ची। ज़्यादा मिर्ची नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि आटे में भी मैंने काली मिर्च पाउडर डाला था। और स्वाद अनुसार नमक, इसमें आप चाहे तो कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे सिर्फ टमाटर की चटनी ही खाना था, इसलिए मैं कोरिएंडर को स्किप कर दे रही हूँ और सिर्फ टमाटर की चटनी ही बनाऊंगी। तो इसे आप चॉप कर लीजिए, एक फाइन पेस्ट ना बनाए और एक से थोड़ा सा कोर्सली ही रखें, तो ताकि वो जो टमाटर कच्चे कच्चे बीच में आते हैं और लहसुन के टुकड़े छोटे छोटे आते हैं, तो वो अच्छा लगता है खाने में पराठों के साथ। तो मैं इसे एकदम फाइनली चॉप नहीं कर रही हूँ, मैश नहीं कर रही हूँ, बस छोटा छोटा कोर्सली रख रही हूँ मैं। तो ये देखिए चटनी बनके तैयार हो गया है। अब इसे आप ट्रांसफ़र कर लीजिए अपने बाउल में। तो देखिए आपको बीच बीच में दिख रहे हैं थोड़े से लहसुन के कट, तो वो खाते समय पराठों के साथ बहुत गजब का टेस्ट आता है। तो आप एक बार ऐसे ट्राई ज़रूर करिए अपने ब्रेकफास्ट में, बिलीव मी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने बीट रूट के पराठे। तो मैंने लिया एक छोटा सा बाउल, वीट बाउल, और उसे हम एक छोटा सा पहले एक राउंड बेल लेते हैं। जैसे आपको पराठे बनाना हो उस हिसाब से आप छोटा सा उसे राउंड बेल लीजिए। और अब हम ऐड करेंगे उसमें थोड़ा सा घी या फिर ऑयल, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो मैं उसमें थोड़ा सा घी ऐड करी हूँ और फिर उसे ट्रायंगल बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे ट्रायंगल वाले। आप चाहे तो इस स्क्वायर भी बना सकते हैं या फिर रेक्टेंगल भी बना सकते हो या फिर गोल भी रख सकते हो, जैसे आपके बच्चे खाना चाहे उस हिसाब से बना लीजिए आप अपने पराठे। तो मैं यहाँ पे यश को ट्रायंगल बहुत पसंद है, तो मैं उसे ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। और देखिए ये मेरे पराठे फर्स्ट पराठा बनके तैयार हो गया है, और वो बीच में जो श्रेड किया हुआ बीट रूट ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने उसमें केसर के लीव्स ऐड करे हैं, इतना सुंदर लग रहा था पराठा देखने में ही। तो मैंने इसे ऐड कर लिया है अब हॉट तवे के ऊपर। तो ये हमारा एक साइड हो गया है, मैंने उसे फ्लिप कर दिया है। अब ये मैं सेकेंड साइड उसको सेक रही हूँ, आँच हमारा मीडियम टू हाई पे है। अब हम ऐड करेंगे इसमें ऊपर से घी, एक अच्छा भरपूर चम्मच मैंने घी ऐड किया है, या फिर आप बटर या ऑयल कुछ भी ऐड कर सकते हो, या फिर जिसे हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसे आप प्लेन भी पराठा परोस सकते हो। तो ये मुझे देना है अपने बच्चे को, तो इसलिए मैं उसमें अच्छा सा घी ऐड करूँगी। दोनों साइड आप उसे अच्छे से घी लगा लीजिए। तो ये मेरा ऊपर का साइड में घी लग चुका है। अब हम इसे फिर फैला लेते हैं, घी को अच्छे से टचअप दे देते हैं हर जगह। तो ये मेरा नीचे का हो गया है। अब मैं इसे फिर से फ्लिप कर दी हूँ और मैं इसमें फिर नेक्स्ट साइड अप साइड फिर डाल दूंगी घी, ऊपर भी ऐड कर लूँगी थोड़ा सा घी। तो देखिए मेरे पराठे कैसे फूल रहे हैं धीरे धीरे, इससे पता चलता है कि हाँ पराठे अच्छे बन रहे हैं, आटा अच्छा अच्छा साना है हमने। अगर आप आटा अच्छा सानो, अच्छा मानो तो अच्छा मानो, तो आपके पराठे या रोटी या फिर पूड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो ये एक अच्छा आइडिया है आपकी रोटी या पराठा अच्छा बनाने के लिए। अब देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपना दूसरा पराठा बनाने के लिए। साथ साथ मैं यहाँ पे एक एक पराठे सेकती जाऊँगी और दूसरा मैं बेलती जाऊँगी, तो ईजी हो जाएगा मुझे नाश्ता देने में, क्योंकि टेबल पे जब बैठते हैं तो इकट्ठा बैठ जाते हैं और फिर अटैक होने लगता है कि मम्मी पराठे मम्मी पराठे। तो देखिए ये मेरा दूसरा पराठा भी मैंने बेल दी हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा था। जब यश खाया बता रहा था कि मम्मी बहुत टेस्टी बने हैं,
और ये मैं तो पहली बार नहीं बना रही हूँ, ऐसे मैं बनाती रहती हूँ सर्दियों में, और कभी कभी नाइट डिनर में भी हमारे पराठे हो जाते हैं। तो मैंने ये सेकेंड बार, फर्स्ट अब मेरा पराठा हो गया है, सिक्के में निकाल ली हूँ प्लेट में। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना दूसरा पराठा, इसे भी वैसे ही ऊपर नीचे अच्छे से फ्लिप करके सेक लीजिए और घी ऐड कर लीजिए। आप राउंड भी बना सकते हो, आपका शेप उतना डिपेंड नहीं करता है, हाँ टेस्ट डिपेंड करता है, बट कभी कभी अगर बच्चों को खिलाना हो तो शेप में ही अगर खिलाओ तो बच्चे खाते भी शौक से हैं, क्योंकि बच्चों को कलर और शेप ही ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में, कि बच्चे बोलते हैं कि मम्मी दिखने में ही कितना सुंदर है। तो ये मैंने फ्लिप कर दिया है अपना पराठा और उसमें ऐड कर दी हूँ घी। घी को अच्छे से फैला लीजिए अपने पराठे के ऊपर। अब मेरा नीचे का पार्ट, पराठे का नीचे का पार्ट सीख रहा है, अब इसे फ्लिप कर दीजिए और सेकेंड साइड में भी हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा घी। और प्लीज आप ये वीडियो देख के आप घर में भी अपना पराठा जरूर बनाएं, इसे एक ट्राई जरूर दें अपने ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में। बिलीव मी, बहुत अच्छा पराठा है और बहुत टेस्टी पराठा है, बहुत हेल्दी पराठा है, ये कोई भी खा सकता है, या फिर बुजुर्गों को भी आप दे सकते हो, खिला सकते हो, या फिर बच्चे, बच्चों को तो खाना ही चाहिए, बड़े भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और आप बना के इसे खिलाओगे तो आपको तारीफ भी मिलेगा। तो देखिए ये मेरे दोनों तरफ पराठे सिक चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो और आपको कुछ इसमें अच्छा लगे मेरे पराठों में और आपको कुछ हेल्प मिले आपके नाश्ता के लिए, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पाठक डायरीज। और आप इसे सर्व कर सकते हो दही चटनी के साथ या अचार के साथ, या फिर मैंने बनाया है टमाटर की कच्ची चटनी, तो इसे प्लीज़ आप खाइए और खिलाइए। और ये देखने में जितना सुंदर दिख रहा है उतना ही टेस्टी बना है।